अब हम पहले फर्स्ट हम लोग ट्रेडमिल स्टार्ट करेंगे। ये वर्कआउट जो है ये आप अपने डेली रूटीन में मॉर्निंग में या इवनिंग में वॉक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या किसी अच्छे जिम में जा सकते हैं, या किसी अपने घर में भी ट्रेडमिल ले सकते हैं। आइए मैं आपको ट्रेडमिल का फंक्शन बताता हूँ। देन लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट एंड स्लो पहले वॉक करेंगे, कम से कम कुछ सेकेंड्स 10 सेकेंड हम लोग वॉक करेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाते रहेंगे। फिर थोड़ा सा आप अगर बिगनर हो तो थोड़ा सा आप जो है वॉक का कंटिन्यू करते रहेंगे, नहीं आप थोड़ा सा अगर करते हो वॉक तो आप उसमें रनिंग भी स्टार्ट कर सकते हो और रनिंग को भी ले सकते हो, अगर आपको बीपी हाई नहीं है तो। ये आपको डेली अपनी रूटीन में स्टार्ट करना है। जब आपकी थोड़ी सांस फूलने लगे या आपका हार्ट रेट बहुत इंक्रीज हो जाए तो फिर आप स्लो कर सकते हो। अगर किसी को हाई बीपी है तो आप सिर्फ वॉक ही रखोगे, आप उसको जॉगिंग या रनिंग नहीं करने दोगे या करोगे खुद। आप किसी अच्छे जिम में जाओगे या अच्छे ट्रेनर के अंडर में गाइडेंस में करोगे तो ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। 10 to 15 मिनट्स मॉर्निंग में ये करना ही करना है आपको। आइए आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज पे ले चलता हूं। थोड़ा सा आप 2 मिनट्स का ब्रेक देके अपनी हार्ट रेट नॉर्मल होने के बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ सकते हैं। क्रॉस ट्रेनर, दिस इज अ क्रॉस ट्रेनर। ये एक्सरसाइज आपके हिप्स, आपके लेग्स, आपके शोल्डर, आपके बैक एक्सरसाइज पे पूरा अच्छा असर देती है, जिसमें वेट लॉस अच्छा होता है। इस एक्सरसाइज में आपको अपने शोल्डर, आपके हैंड, आपके लेग प्रॉपर वे में चलने चाहिए। टेन टू फिफ्टीन मिनट्स आपको इस एक्सरसाइज को करना है। अगर आपके पास क्रॉस ट्रेनर नहीं है तो आप इस एक्सरसाइज के ऑप्शन में अपनी घर की जो स्टेयर्स होती हैं उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। सेम मसल फंक्शन, सेम मसल वर्कआउट आपको हो जाएगा और मसल्स में वही प्रेशर और वही स्ट्रेच आएगा। अब क्रॉस ट्रेनर के बाद हम लोग आएंगे क्रिस क्रॉस स्टेपर्स पे। इसमें हम लोग पहले एक पैर एंड क्रॉस एल्बो एंड अपोजिट दिस। अगर कोई बिगनर है तो उसके लिए हम लोग सिंगल लेग भी यूज कर सकते हैं, सिंगल लेग एंड एल्बो। एटलीस्ट 10 रेप्स सिंगल साइड एंड 10 रेप्स सिंगल साइड। ये एक्सरसाइज भी हम लोग के कोर मसल्स पे ज्यादा वर्क करती है। आइए आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज पे ले चलता हूं मैं। इस एक्सरसाइज को बोलते हैं बैटल रोप्स। इसको ऐसे उठा के थोड़ा सा नीचे बैठ के आप इसको अल्टरनेट हैंड से चलाइए, सिंगल हैंड एंड बोथ हैंड, देन सिंगल हैंड देन बोथ हैंड। इस एक्सरसाइज से आपका कोर मसल एंड शोल्डर एंड बैक तीनों पे अच्छा वर्क होता है। इससे आपका स्टेमिना एंड वेट लॉस दोनों में बहुत अच्छा हेल्प मिलता है। इस एक्सरसाइज को आप अपने घर पे या अपने ग्राउंड में या अपने गार्डन में किसी भी रोप को लेकर लगा के कर सकते हो, लेकिन आप अगर किसी अच्छे ट्रेनर के अंडर में या किसी अच्छे जिम में जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी जो मैंने आपको 4 एक्सरसाइजें बताई हैं वेट लॉस की, हमारे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट आते हैं जो वेट कम करने के लिए आते हैं, जिनके पास बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनका ओवरवेट होता है, उनका BMR बहुत स्लो होता है, उनकी ओबेसिटी बहुत बड़ी होती है और BP की प्रॉब्लम्स होती हैं, डायबिटिक की प्रॉब्लम्स होती हैं, अस्थमा होता है, सर्वाइकल होता है, बोन स्ट्रक्चर तक ख़राब हो गया होता है। तो ये
आप जब हमारे पास आते हो तो आपकी पहले हम लोग मेडिकल इश्यूज जानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आपको, क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं हैं, उस हिसाब से आपका एक्सरसाइज शेड्यूल डिज़ाइन करते हैं हम। और ये चार एक्सरसाइजें आपके लिए बहुत बेनिफिट्स होंगी अगर आपको कोई एनी मेडिकल डिजीज़ ना हो तो। अगर मेडिकल डिजीज़ है तो बहुत केयरफुल ही आपको करना है, चाहे आप घर पे करो, चाहे अपने ग्राउंड में करो, और चाहे किसी अच्छे जिम में जाके करो। तो उसमें क्या होगा कि आपका वेट लॉस का रिजल्ट अच्छा आएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई, आपको ट्रेडमिल, हाई बीपी वालों को सिर्फ ओनली वॉक ही करना है जब तक तो उनका बीपी कंट्रोल में ना आ जाए। और सेकंड एक्सरसाइज क्रॉस ट्रेनर सेम उसी पैटर्न पे आएगा, स्लो का चलाना है, फास्ट नहीं चलाना है आपको, क्योंकि इसमें भी आपका बीपी स्विच कर सकता है। तो केयरफुली थोड़ा सा करिए और किसी अच्छे ट्रेनर्स के अंडर में करिए। उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज हमने आपको जो बताई है क्रिस क्रॉस स्टेपर, वो आप कर सकते हो। उसमें आपको अगर बीपी डायबिटिक भी है तो इतना प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, बस आपको बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट टाइमिंग थोड़ा बढ़ा दीजिएगा आप। फोर्थ एक्सरसाइज आपकी है जो बैटल रोप, उसमें आपको अगर आपको आपकी आपकी बोन में कोई प्रॉब्लम्स है, बैक बोन में कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप किसी चेयर पे बैठ के कर सकते हो, या किसी बेंच पे बैठ के कर सकते हो, या किसी स्टूल पे बैठ के कर सकते हो। और आप धीमे धीमे जैसे आपकी बैक बोन सपोर्ट करने लगे तो धीमे से आप उसको कुछ दिन बाद आप उसको हटा सकते हो। ये एक्सरसाइज वेट लॉस की बहुत हेल्पफुल होती है। ये एक्सरसाइज मैंने आपको इसलिए बताई है जो आप अच्छे जिम में भी कर सकते हो, आप अपने घर पे भी कर सकते हो, आप अपने ग्राउंड में भी कर सकते हो। कोशिश करिए कि आप किसी अच्छे जिम में जाइए, किसी अच्छे ट्रेनर्स के अंडर में करिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। वेट लॉस की जो डाइट होती है उसमें कोशिश करिए कि आप सबसे पहले अपना अपना बाहर का जो खाना होता है वो स्पेशली जंक फूड आपको बंद करना है। ऑयली स्पेशली राइस, स्वीट्स, ये सब कोशिश करिए। सॉल्ट बहुत हल्का लीजिए और कोशिश करिए कि घर का खाना खाइए। उसमें आपका आटे में मल्टीग्रेन आटा होना चाहिए, आपका ऑयल होना चाहिए, जिसमें कि आप खुद देखिए कि जब से इंडिया में स्पेशली जब से रिफाइंड ऑयल आया है तब से लोगों को ज़्यादा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने सरसों के तेल को कट ऑफ कर दिया, लोग हल्के तेल पर आ गए। हल्के तेल पर क्यों आ गए? उनको लगता है कि ये हल्का तेल है, लेकिन वो हल्का तेल नहीं है, वो केमिकल तेल होता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को ऊपर लेके जाता है, जिससे हार्ट अटैक्स की ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। आप सरसों के तेल को यूज करिए और डाइट में कोशिश करिए कि प्रोटीन डाइट और फाइबर डाइट ज्यादा लीजिए, जिसमें आपको ग्रीन वेजिटेबल्स और प्रोटीन डाइट में आपका एग वाइट्स हो गया, आपका मिल्क हो गया, आपका कर्ड हो गया, इस सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि जंक फूड्स और स्वीट्स थोड़ा सा अवॉइड करिए। स्वीट्स की जगह आप अपना जो हमारे विलेज में अच्छे जो गुड़ बनते हैं, गुड़ का बहुत अच्छा रोल होता है, लोगों ने उसको छोड़ दिया, लेकिन लोग किस पे आ गए? शुगर पे आ गए। शुगर कट ऑफ करके आप गुड़ पे आइए तो आपका ज़्यादा लाइफस्टाइल अच्छा होगा, आपका वेट लॉस होगा और आपका शुगर लेवल जो बढ़ जाता है, डायबिटिक जिसको बोलते हैं, वो कम से कम आपको नहीं होगा। लोगों ने इसी को लाइफस्टाइल अपनी इतनी ख़राब कर ली है, इस वजह से ही अब लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, लोगों ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई। क्यों हो गई? इसी वजह से कि लोगों ने लाइफस्टाइल अपनी पूरी ख़राब कर ली है, खाना पीना बहुत ख़राब कर लिया है। तो खाना पीना आप अपना अच्छा रखिए, अपना डेली वर्कआउट करिए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, कोशिश करिए कि लेट नाइट ना सोइए, अर्ली नाइट सो जाइए, तो आपका हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपका वेट लॉस भी होगा ही अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल और अच्छा डाइट प्लान ले रहे हो। कभी भी किसी अच्छे जिम में जाते हो तो वहाँ पे आपको वेल एजुकेटेड ट्रेनर्स मिलते हैं जो आपको अपनी गाइडेंस में अच्छा वर्कआउट कराते हैं। आप अगर अपने घर पे कर रहे हो, आप अपना मॉर्निंग वॉक कर रहे हो या ग्राउंड ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपके पास कोई गाइडेंस नहीं होती है। तो गाइडेंस के लिए आपको कम से कम आपको एक अच्छे जिम में जाना चाहिए, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा वेट लॉस में। और वेट लॉस होने के बाद आपको कुछ फ़ायदे जो मिलेंगे, जिसमें आपके बॉडी एनर्जेटिक हो जाएगी, बीएमआर आपका हाई हो जाएगा, और आपके जो बॉडी पे कपड़े होते हैं, कपड़े कैसे अच्छे लगते हैं, आप चाहे जितने पैसे वाले हो, जितने आप रिच पीपल हो, आप कोई भी ब्रांड पहन लो, आपकी बॉडी नहीं अच्छी तो वो कपड़ा आपके ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए किसी भी कपड़े की कंपनी ने मॉडल्स को क्यों हायर करते हैं, मोटे लोग को क्यों नहीं हायर करते हैं? इसी वजह से, क्योंकि उनकी मॉडल्स की, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, उनकी बॉडी अच्छी होती है, इसलिए वो कपड़ा उनके पे अच्छा लगता है। तो आप जब पतले हो जाओगे, वेट लॉस हो जाएगा, आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी, तो आप कोई भी कपड़ा पहनोगे, चाहे सस्ता हो चाहे महंगा, वो आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा
और आपके अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। आप किसी से बात करोगे तो आपको मतलब हेजिटेशन नहीं होगी, और आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम्स नहीं होगी, उठने बैठने में प्रॉब्लम्स नहीं होगी, बॉडी बैलेंसिंग अच्छी रहेगी आपकी। तो आप कोशिश करिए कि किसी अच्छे जिम में जाएं और अच्छे ट्रेनर्स के अंडर में ही वर्कआउट करें। अगर आपका वेट लॉस हो जाता है, आपकी अच्छी फिजिक आप पा लेते हो, तो कोशिश करो कि आप अपना एटलीस्ट डाइट प्लान अपना अच्छा रखो, फिर से जंक फूड पे ना आओ। कोशिश करो कि अगर आप थोड़ा सा कुछ खाने के शौकीन हो, कुछ भी अदर जंक फूड के शौकीन हो, तो कोशिश करो 15 डेज में एक दिन आप खाओ, ताकि आपका मुंह का टेस्ट भी बना रहे और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। आप फिर उसी रूटीन में रोज आ जाओगे तो आपकी फिर से बॉडी खराब हो जाएगी। तो कोशिश करो कि आप अपना वर्कआउट और डाइट थोड़ा सा अच्छा रखो और डेली रूटीन में रखो।